बस कुछ वक्त और बंगाल में चल रहा चुनावी शोर थमने वाला है और हिंसा बवाल गाली के बीच चल रहा चुनावी शोर अब थोड़ी देर के बाद थम जाएगा, क्योंकि अमित शाह की रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई और 72 घंटे पहले ही शोर थमने का आदेश दे दिया। 19 तारीख को पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों पार्टियों की ओर से 9 सीटों को लेकर जमकर रैलियां की गई और जिन 9 सीटों को लेकर जमकर वार पलटवार हिंसा हुई उन 9 सीटों पर क्या कुछ खास है और क्या कहता है वहां का सियासी गणित, इसको समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के तहत 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सिर्फ एक फेज की वोटिंग बाकी है। अंतिम चरण में सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर हैं, जहां मोदी और ममता की जंग चरम पर है। लोकसभा चुनाव के आखिरी राउंड में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें 9 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। भले ही सीटों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी है। वजह यह है कि इन सीटों पर परंपरागत रूप से टीएमसी मजबूत रही है और इस बार उसे बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसके चलते दोनों दलों के बीच जुबानी जंग कई जगहों पर हिंसक झड़पों तक में तब्दील होती दिखी। मंगलवार को हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को प्रचार का समय कम किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि सूबे में भय और नफरत का वातावरण है, वोटिंग वाले इलाकों में भय का माहौल है। लास्ट राउंड में दमदम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर के साथ डायमंड हार्बर, जाधवपुर लोकसभा साउथ और कोलकाता नॉर्थ सीटों पर मतदान होगा। आखिरी चरण में जिन 9 सीटों पर मतदान होना है वे सभी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। टीएमसी ने 2014 में इन सभी सीटों पर विजय हासिल की थी। इनमें से भी जाधवपुर और साउथ कोलकाता सीट तो ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत यहीं से की थी। ममता बनर्जी ने 1984 में जाधवपुर लोकसभा सीट से सीपीएम के दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। वहीं से लगातार 6 बार सांसद रही। डायमंड हार्बर सीट भी खासी चर्चा में है, क्योंकि यहां से ममता बनर्जी के भतीजे चुनावी समर में। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव कैंपेन में उतारा है। पीएम नरेंद्र मोदी दमदम, बसीरहाट, मथुरापुर और डायमंड हार्बर सीट पर रैलियां कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चीफ अमित शाह बारासात, जयनगर और कोलकाता नॉर्थ सीट पर कैंपेन के लिए उतरे थे। इस तरह बीजेपी की टॉप लीडरशिप बंगाल की लगभग सभी सीटों को कवर कर रही है। पीएम मोदी ने यहां हर चरण में औसतन 2 रैलियां की हैं। अब देखना होगा कि दिलचस्प लड़ाई के बीच बीजेपी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की धरती इस समय बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सियासी जंग के मैदान में तब्दील हो गई है और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई उठक बैठक कराने और जेल भेजने तक पहुंच गई। पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मी के बीच आज पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की धमकियों के बीच 2 रैलियों को संबोधित किया और यहां से पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन ममता बनर्जी भी कहां पीछे रहने वाली थी, वक्त रहते उन्होंने भी भद्रलोक से मोदी और अमित शाह पर जमकर बात किया। भले ही पूरे देश में लोकसभा चुनाव कमोबेश शांतिपूर्ण ही निपटने की ओर है, लेकिन भद्रलोक कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर की वोटिंग से पहले लगातार तृणमूल और बीजेपी आमने सामने है। आज पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 2 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। दीदी, पश्चिम बंगाल को अपनी और अपने भतीजे की जागीर समझ बैठी है। जिस तरह की हरकतें कर रही है उसे देश भली भांति जान गया है। साथियों, चुनाव प्रचार के दौरान और खासकर बीते 3-4 दिन से यहां जो हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। टीएमसी के गुंडों ने जो नर्क यहां बना रखा है, जिस प्रकार की हिंसा यहां फैला रखी है, उसके कारण गणतंत्र बदनाम हुआ है। टीएमसी के इन गुंडों ने
जिस प्रकार का तूफान बचा दिया और एक कमरे में बंद जहां ताला लगा हुआ है वहां पर रात को महान शिक्षाविद समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, क्या कारण है? सरकार जैसे नारदा शारदा के सबूत मिटाए वैसे इसके सबूत मिटाने में लगी है। वहीं मोदी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेकर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने दादागिरी की और महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि बीजेपी सरकार उसी जगह पर पंच धातु की एक भव्य मूर्ति बनवाएगी। कोलकाता में भाई अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी के गुंडों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया। ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। ये भी कहना चाहूंगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के विजन के लिए समर्पित हमारी सरकार उसी जगह पर पंच धातु की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेगी और टीएमसी के गुंडों को जवाब देंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए। साथ ही अमित शाह पर भी ममता दीदी ने निशाना साधा है। तुम्हारे का से बांग्ला भीख के चाहे ना, तुम्हार नेता ओई अमित शाह गुंडा की बोलेगा से बांग्ला है, बंगाल कांगाल, बंगाल के कांगाल बोलेगा से तुम्हार पार्टी। मोड़े रखो, बांग्लार एक मानुषो बीजेपी करबें ना, बीजेपी साथे जाबें ना। आज जरा जाबें तारा जेने रखुन, आगामी दिन समाज तादेर ग्रहण करबे ना, भालोबासबे ना। बता दें कि आज से चुनाव आयोग ने हिंसा के चलते 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।